Mike checking. 1, 2, 3. Hello, Vortex is back on the radio. It's a big, 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 big problem. But no problemo. Oye, oye, la hasil. RJ. Guys, refresh your radio. RJ Vortex is on air. Thank you so much. कसौटी जिंदगी की हमसे टाइमिंग पूछ रही हैं, वो कह रही हैं आपकी टाइमिंग कब से कब तक होती है। तो मेरी जो टाइमिंग है वो वीकेंड पे फ्राइडे नाइट 11 PM को और सैटरडे को 1 AM में होती हैं और रात के 1 बजे हफ्ते को और जुमे को 11 बजे शब में जब हम डिनर करके फ्री हो जाते हैं और सब पेट भर के जो है वो आरजे वोटिक्स को सुनने आते हैं। तो आप भी वैसे ही सुन सकते हैं और आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। मायरा जी को भी वेलकम करेंगे और बाकी सबको भी वेलकम करेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस। Assalamualaikum, this is RJ Vortex voice on all for Musti's radio and I hope everyone is fine and doing good and it's a big, big trouble here tonight with me and special thanks to RJ Awara for giving me the space on the radio and giving his time to me that I am coming here and do the show for you guys. But when I started the show, sometimes the recording break is happening, sometimes we are putting the track back again, sometimes Sam is running, sometimes it's not running. Glad to see Candman is doing a show for us tonight and I'm really, really amazing by his voice as well as he's speaking in English with the people and they have learned from him here on the radio. I much appreciated him and he's saying thanks for the support, always support for the RJs of All For Musties whom are doing the shows on the radio and humne aaj 1 baje ka jo time hai वो आवारा का ले लिया है एज ही इज लिसनिंग मी एज वेल ही इज कमिंग लेटली एज ही सेड कि वो आएंगे और हमारा शो सुनेंगे हमारे साथ। तो उनको भी वेलकम करते हैं अपने शो में एंड आरजे ला हासिल जिन्होंने पोइट्री में जो है वो 4 चांद लगा दिए हैं एंड उन्होंने कहा है कि वो हमारे हॉरर शो में भी आना चाहते हैं और हमें सुनना चाहते हैं और हमारे साथ जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं, कोई स्टोरी वो हमसे शेयर करेंगे। सो लेट्स हिम डू द स्टोरी विद अस शेयरिंग इट और द पीपल विल लिसनिंग। और 1 बजे स्टार्ट होता है सैटरडे को बट ये मेरा फाइनल वीकेंड है, इसके बाद मैं शोज नहीं करूँगा ड्यू टू दिस रिस्पेक्टेड मंथ हियर मुहर्रम और उसकी वजह से जो है हम ब्रेक लेंगे यहाँ पे और हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब कब कंटिन्यू करेंगे वो मुझे भी नहीं पता। तब तक के लिए सबको करते हैं यहाँ पे एक वार्म वेलकम। हमारे साथ कलीम द ओनर ऑफ ऑल फ्रॉम मस्ती मौजूद है, निहारिका मौजूद है एंड द रिकॉर्डिंग इज नॉट ब्रेकिंग नाउ because I am resetting the router of my internet and they are troubleshooting it and the problem is sorted out I think. Let's make this night entertaining
together and listening this upcoming stunning track, which I dedicating to my fans and family or a friends or administrator, everyone. इसके बाद आते हैं, आप सबको करते हैं एक वार्म सा वेलकम. तब तक के लिए डू इलेक्ट्रीफाइंग द शो एंड एनर्जाइज योर मूड विद आरजे वोर्टेक्स. मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. पेशावर जालमी को करेंगे थैंक यू सो मच फॉर सेइंग नाइस शो. हियर वी गो टुगेदर, लेट्स ब्रिंग इट ऑन. आजावे माहिया, और आजावे माहिया को जो है वो पेशावर जालमी हमसे कह रहे हैं खुद सुनाओ जरा सॉन्ग आप. नाइस वॉइस है आपकी यार, थैंक यू सो मच. एंड साइमन एंड जॉय किंग को वेलकम करेंगे. निकी कह रही है थैंक यू, उनको वेलकम करेंगे. फितना कह रहे हैं मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा है, क्या करूं जल्दी बताओ. किसी का भी अगर रेडियो काम ना कर रहा हो तो वो गूगल पर जाए, वहां पर जाकर लिखे ऑल फॉर मस्ती एंड प्रेस एंटर, तो वहां पर
ऑल फॉर मस्ती से रिलेटेड लिंक्स खुलेंगे, उसमें से किसी एक लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे और आपका रेडियो चलता हुआ चैट रूम खुलेगा। तो दिस इज अ गुड थिंग। मायरा जी कह रही है वेरी नाइस आरजे, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी टू द पीपल बिकॉज आई एम नॉट प्लेइंग रिक्वेस्ट हेयर टुनाइट और ड्यू टू द नेट डिसकनेक्टिविटी एंड ऑल। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। एंड निहारिका इज सेइंग रिफ्रेश योर रेडियोस, थैंक यू सो मच निहारिका। पेशावर जालमी कह रहे हैं नाइस शो, अभी तो अब स्टार्ट किया है यार, रिफ्रेश करो एक दो बार, इसको बोलो सही हो जाएगा। यस हो जाता है, मगर समटाइम्स लोगों के पास नहीं होता है ड्यू टू द डिफरेंट नेट पैकेजेस, दे कांट बी सपोर्ट दैट ऑप्शन, और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से जो है वो कनेक्ट हो जाता है। और बारिश ने जो है वो कराची को इस वक्त जो है वो बिल्कुल नहला दिया है, साफ सुथरा कर दिया है, रोडों पे लोग तैर रहे हैं और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बिजली जो है वो 3 बजे से दोपहर से नहीं थी और आई है कोई 10 बजे, और अभी भी जो है वो सर्विसेज इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुई हैं और ड्रेनिंग सिस्टम वैसे ही है, बिजली भी वैसे ही चली जाती है। एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम इट, आइदर दे आर एट होम और आउटसाइड ऑन सम प्लेस। सो हम उनके लिए दुआ करते हैं जिन लोगों ने भी बारिश में सफ़र किया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और बारिश, आई लव रेन, मैं फिर भी हार नहीं मानता, मैं बारिश को भी इंजॉय करता हूँ। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, मज़ा आया, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। और वेलकम करेंगे यहाँ पर एडमिन्स में कलीम और निहारिका को, और साथ में उन लोगों को जो हमारे साथ मौजूद हैं और शो को सुन रहे हैं। फामा शेख ने हमें ज्वाइन किया है, मायरा जी ने ज्वाइन किया, पेशावर जालमी हमारे साथ हैं, कसौटी जिंदगी की हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मीरजेब हमारे साथ मौजूद हैं, वर्षियस हमारे पास साथ मौजूद हैं, स्पार्टिकस जद्दा से ज्वाइन कर चुके हैं, इनको वेलकम करेंगे, बर्थडे ने ज्वाइन किया है और बर्डी ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे, खामोशी ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे, लाहासिल हमारे साथ हैं, अवारा ऑलरेडी हमें सुन रहे होंगे और नहीं है तो आ जाएंगे, फितना हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एफ हमारे साथ मौजूद हैं, शिजा हमारे साथ मौजूद हैं एंड ताबीर हमारे साथ मौजूद हैं, निकी ने ज्वाइन किया है, खामोशी मौजूद हैं, नेहा बेबू हमें सुन रही हैं एंड खामोशी ने ज्वाइन किया है हमें, ये वो लोग हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, सोहा ने भी ज्वाइन किया है, शिजा ने भी ज्वाइन किया है एंड इन सबको करेंगे वेलकम अपने शो में। और अगर कोई रह गया है तो वो अपना नाम मुझे बता सकता है तो मैं उसको भी अनाउंस कर दूंगा। हम भी आपके साथ मौजूद हैं, फितना का रेडियो फाइनली चल गया है, मुबारक हो, खुशबू लगा लें, पानी का गिलास ले लें, कुछ स्नैक्स ले लें ताकि इन्जॉय कर सकें। एंड कीप इलेक्ट्रीफाइंग योर हार्ट्स विद आरजे वोर्टेक्स हियर टुनाइट ऑन ऑल फॉर मस्ती, इट्स अ 1 आवर शो हियर। इसके बाद शायद आवारा भी ज्वाइन कर लें ऑन माई रिक्वेस्ट एज आई एम सेइंग टू हिम। और आयशा खान ने ज्वाइन किया, आयशा खान को वेलकम करेंगे, चलेंगे को ट्रैक की तरफ आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, सिट ट्यून एंड कीप इलेक्ट्रीफाइंग विद द रेडियो ऑफ ऑल फॉर मस्ती। लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती नहीं रातें उसके बिन,
ऑलराइट, वेलकम करते हैं एक बार फिर से उन सब लोगों को जो हमें सुन रहे हैं रेडियो पर और हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़े एक ओल्ड ट्रैक था जो कि मुझे याद था, बड़ा मजा आया उसको ज्वाइन करके, आप सबके साथ कनेक्ट करके, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ट्रैक्स प्ले करने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं अपने ट्रैक्स लेकर आता हूँ, ताकि आप सब लोगों को भी मजा आए थोड़ा सा सुनने में ट्रैक्स को, बिकॉज हमारी रिक्वेस्ट शोज तो मैं अब करने लगा हूँ तो आप लोग वो भी सुनते हैं। लेकिन फ्राइडे नाइट को हम इस तरह से इसलिए करते हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नेट इतना ट्रैफिक बिजी होता है कि अगर हम कोई भी ट्रैक डाउनलोड करते हैं आप सबके लिए तो वो ट्रैक रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाती, और काफ़ी सारे लोग रह भी जाते हैं और नेट की जो रिकॉर्डिंग है हमारे शो की वो ब्रेक हो जाती है, एंड यू गाइस कांट बी एबल टू लिसनिंग इट ऑन द चैनल एज वेल। सो एमन ने ज्वाइन किया, एमन को वेलकम करेंगे अपने शो में। हमारे साथ पिंक पैंथर मौजूद हैं, बूम बूम ने ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम करेंगे साथ में। खामोशी ने ज्वाइन किया, खामोशी को वेलकम करेंगे। राजपूत ने ज्वाइन किया है, इनको वेलकम करते हैं। इसके साथ अली रजा हमारे साथ आ चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। हैश ने ज्वाइन किया है, हैश को वेलकम करेंगे। और निकी सिस्टर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, वो कह रही है अगर ट्रैक रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो रही तो थप्पड़ लगा दें, थप्पड़ लगाएंगे तो नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हम लोगों का शो बंद हो जाएगा। इसके साथ जो है वो कंफ्यूजन क्रिएटर ने ज्वाइन किया, कंफ्यूजन क्रिएटर को वेलकम करते हैं और डॉट को वेलकम करते हैं। There are a little different kind of mix here tonight, and special thanks to our RJ Awara for giving me the space to doing a show for you guys, because it's the last weekend for me to doing a show, and after that, you know, this is a respected month, and we have to disconnect it from the radio for a while, and sab log duaon mein yaad rakhein aur sab log hamare saath rahein, aur barish kaun kaun enjoy kar raha tha Karachi ke ilawa kahan kahan hui ye hame aap bata sakte hain, iske saath jo hai wo बड़ी खुशी होती है जब कैंडमैन को हमने आज पहली बार सुना, एज ही इज डूइंग अ शो विदाउट BGM एंड सॉन्ग्स, बट ही इज डूइंग द शो इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ गुड, एंड यू गाइस कैन लर्न फ्रॉम हिम। और साथ में जो है वो अल्लाह हासिल इज़ ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल पोइट्री, अवारा इज ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल एंटरटेनमेंट फॉर यू गाइज, एंड आई एम रियली हैप्पी टू ऑल ऑफ देम। एंड गैस जीरो ने ज्वाइन किया है, गैस जीरो को वेलकम करेंगे। उनके साथ भी वही प्रॉब्लम आ रही है, रेडियो इज नॉट वर्किंग। ताबीर ने भी कह दिया रेडियो इज नॉट वर्किंग, एंड मैंने बताया भी ये सबको कि रेडियो किस तरह चलेगा। एनीवेज मैं इनको मेन चैट पर हेल्प करते हैं, इनको बता देंगे ताकि इनके रेडियोज ऑन हो जाए। एंड वी स्विच टू द नेक्स्ट अपकमिंग ट्रैक, हमारे साथ रहिए। और 20 मिनट हो चुके हैं शो को स्टार्ट करते हुए, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जा रहा होता है, इतनी तेजी से भाग रहा होता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग Thunderstorm and electricity, we are here tonight together and connected on the radio. Let's hear this stunning track and dedicating everyone who are listening to me on the radio. Stay tuned and keep listening. RJ Vortex Voice, we'll be right back. मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाए।
दिल है लगा। मेहंदी की खुशबू से एक बार फिर से उन सब लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, मेहंदी की खुशबू से सांसों में समा जाए, लवली ट्रैक बाय हारून हियर, पाकिस्तानी वन। एंड मैंने सोचा आजकल शादियां तो हो नहीं रही हैं, हॉल तो खुल नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि यहीं मेहंदी कर लेता हूं ऑल फॉर मस्ती पे अपने फैंस के साथ, सबके साथ इस ट्रैक के हवाले से। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लाइफ में, एंड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। तो जब तक इस लाइफ में प्रॉब्लम ना हो ना, मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी ना जीने का लाइफ को। और चैट रूम जो है वो मेरा शायद रुक गया है और वापस से, और मगर फितना की टाइपिंग से उनका निक जो है वो रेड आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि शायद मैसेज आ जाएगा उनका और हम उनको पढ़ पाएंगे या चैट रूम चल पाएगा। अगर नहीं रुक चला और रुक गया तो फिर हम दोबारा से इसको कंटिन्यू कर लेंगे, बल्कि चल गया दोबारा को फाइनली। थोड़ा सा स्लो जा रहा है और रात का जो है वो 1:40 हो चुका है। मुझे शो करते हुए इस वक्त इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि मैं 11 करके जो है वो आवारा को सुन रहा होता हूँ, और आवारा इस वक्त यहाँ है नहीं और वो शो कर रहे होते हैं, उनका टाइम होता है। लेकिन कोई बात नहीं, उनसे लेना पड़ा क्योंकि ये लास्ट वीकेंड था, तो मैंने सोचा कि ये लास्ट स्पेल था आप सबके लिए, हम शो करें यहाँ पे। और शो का हमने यही पूछा आप सबसे कि बारिश के जब इतने सारे तफरी भी आई हमें और मसाइल भी हुए हमारे साथ पेश आए, तो आप लोग बारिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और बारिश कौन कौन आप लोगों में, किस किस को बारिश पसंद है, कौन कौन बारिश को इंजॉय करता है। और इसके अलावा जो शोज हमने किए, आज हम एंटरटेनमेंट शो कर रहे हैं, कल हमारा हॉरर शो है 1:00, आप लोग अपनी स्टोरीज के साथ हाजिर हो सकते हैं। मुझसे यहाँ पर मीर जेब ने पूछा, सैयद मीर जेब ने, कि हम अपनी कहानी कैसे कहें। आप अपनी कहानी या तो हमारे साथ कॉल पर आकर कह सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसको जो है वो ऑन एयर आपकी स्टोरी को पढ़ेंगे अपने शो में। इसके साथ हम जो है वो यहाँ पर एक ट्रैक लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और वक्त बहुत ज़्यादा है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं 1 से ज़्यादा का जो है वो शो करूं, क्योंकि मैं आवारा को टाइम देना चाहता हूं क्योंकि वो भी अपना शो करेंगे और उन्होंने मुझे दिया अपना टाइम, विच इज़ रियली वंडरफुल फ्रॉम हिम टू मी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और आपके लिए शो कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आई कांट एक्सपेक्टिंग टू नाइट कि मैं आप लोगों के लिए शो कर पाता, क्योंकि नेट ने बहुत ज़्यादा तंग किया और लाइट तो दोपहर से गई हुई थी, उससे रात को मुलाकात हुई और नेट का भी कुछ ऐसे ही सिलसिला था, मगर नेट ने फिर भी साथ दिया। तो गाइस चलते हैं एक और ट्रैक की तरफ, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, जब तक मैं चैट रूम को दोबारा रीजॉइन कर लूँ, बिकॉज आई एम कांट बी एबल टू रीड योर मैसेजेस एंड इट्स स्टक राइट नाउ। लेट्स हियर दिस ट्रैक। ला हासिल के शो में भी यही हुआ था, चैट रूम रुक गया था और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था और शो ऐसे ही चल रहा था और आवाज आ रही थी रेडियो पे। सो सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम सफर सदा तेरे मंजिल प्यारे।
एक और ट्रैक हमने यहाँ पे सुना बिकॉज इट्स अ ओल्ड ट्रैक एंड आई प्ले द रीमिक्स ऑफ इट और वेल फितना जो है वो वेलकम कर रहे हैं एम्बला को और बाकी सब लोगों को मेरे शो में. थैंक यू सो मच फितना एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू बिकम एडमिन ऑन ऑल फॉर मस्ती. इसके साथ जो है वो बारिश के हवाले से बात हो रही थी. पिशावर जालमी हमसे कहते हैं उनको बारिश बहुत पसंद है, दिल करता है बस मैं खड़ा रहूं और बाद में जाके गरम गरम खड़ा रहूं और बारिश को इंजॉय करूं और उसके बाद जो है वो बाद में जाके गरम गरम पकोड़े इंजॉय करूं खाना खा के. और आज का मेरे साथ भी कुछ ऐसी सीन हुआ, बारिश भी मैंने इंजॉय करी उसके साथ जो है वो हमारा डिनर का प्लान था जो कि कैंसिल हो गया, फिर हमने कहीं और डिनर किया. एंड देन उससे पहले मैं भी बाइक पर बाहर निकला एंड माय फ्रेंड इज कॉलिंग मी फॉर द टी एंड पकोड़ास. तो पकोड़ा खाने के लिए जब मैं वहां पहुंचा तो रास्ते में जो पानी था वो तो आप पूछे नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी बाइक जो है वो कश्ती है और मैं उसको पानी में चला रहा हूँ. और एक दो जगहें ऐसी आईं जहाँ पर मुझे देखकर वाकई ऐसा लगा कि अब तो बाइक बंद हो जाएगी मेरी. सो दैट सिचुएशन इज रियली क्रिएटिंग ट्रबल फॉर मी, बट एट लास्ट फाइनली आई रीच माय फ्रेंड्स डेस्टिनेशन एंड वी इंजॉय द टी एंड पकोड़ा टुगेदर एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द डिनर. सो गाइज ये थी बारिश इंजॉयमेंट जो मैंने आज करी और आई एम हैप्पी कि पिशावर जालमी को भी बारिश पसंद है और वो भी जो है वो कहते हैं कि मैं दिल चाहता है बारिश में खड़ा रहूं और उसको इन्जॉय करता रहूं एंड आफ्टर मैं पकोड़े खाऊं या टी इन्जॉय करूं. तो वेरी गुड पिशावर जालमी. इसके साथ आप लोग भी हमें बता सकते हैं आप लोगों में से किन किन लोगों को रेन बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मुझे तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि इस बार जो है वो बारिश अनएक्सपेक्टेड हुई है कराची में और बाकी सारी जगहों पे पाकिस्तान में. एंड इट्स सो मच ग्रीनरी आउटसाइड, सो मच फ्रेश एयर एंड टेम्परेचर इज़ डाउन, टेम्परेचर इज लो नाउ एक्चुअली एंड 29-28 टेम्परेचर चल रहा है और एक फील लाइक सर्दी हो रही है और एक फ्रेश मौसम है, ऑक्सीजन से भरपूर और ग्रीनरी है चारों तरफ और पत्ते और फूल और जो है वो एक क्रोमेटिक वे का इजहार कर रहे हैं, हम लोगों को हाथ हिला रहे हैं और फुल सरसब्जो शादाब हो गया है. इट्स अ किंडरगार्टन राइट नाउ कराची और एनी अदर प्लेस इन पाकिस्तान. सो मच ग्रीनरी एंड जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ग्रीन लीव्स को देखा करें, आपकी आंखें उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी. फामा शेख हमसे कुछ कह रही हैं, उनको भी वेलकम करते हैं वापस शो में. चूजा ने ज्वाइन किया, चूजा को वेलकम करेंगे. नैनू ने ज्वाइन किया, नैनू को वेलकम करेंगे. एक ट्रैक की तरफ चलेंगे, आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एंड डेडिकेट करते हैं सबको ये ट्रैक. एंड मिलते हैं आफ्टर दिस ट्रैक. स्टे ट्यून्ड विद आरजे वोर्टेक्स एंड कीप लिसनिंग दिस अपकमिंग ट्रैक्स. एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी, अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी. सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी.
ऑलराइट, वेलकम करते हैं एक बार फिर उन सब लोगों को जो हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस वक्त सुन रहे हैं। 37 मिनट्स हो चुके हैं हमने शो को स्टार्ट किया था एंड द शो इज गोइंग ऑन। और बात हो रही थी बारिश के हवाले से, कसौटी जिंदगी की हमसे ये कह रही हैं कि उनको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किन किन लोगों को बारिश पसंद है आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। और बारिश में या कभी भी लाइफ में आप किसी की अगर हेल्प करना चाहें तो विदाउट एनी मीनिंग करें, उसका अपना ही एक मज़ा है और उसका अपना ही एक अच्छी डील है जो हम अगर करें तो सामने वाले के लिए बेटर होता है। इसके बाद सबको अगर अच्छा बुरा अपनी लाइफ का पता चल जाता है तो हमारा समझ लें कि गोल कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे ही हमें करना चाहिए क्योंकि हम अल्लाह ताला से भी अपनी माफ़ियों की, अपनी गलतियों की एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रखते हैं कि वो हमें माफ़ कर दे। और बारिश में भी इससे पिछले साल बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए थे और बिजली के जो पोल थे या फिर उसकी तारें हैं वहाँ से हरगिज़ आप लोग ना गुजरें और नंगे पैर बाहर ना निकलें। और इसके साथ जब भी आप गाड़ी में हों, बाइक में हों या पैदल सफ़र कर रहे हों, बिल्कुल रोड देखकर क्रॉस करें, रोड से देखकर जाएं। और अगर कहीं पर भी बाइक वगैरह ख़राब हो जाए तो घर से बैकअप के लिए कॉल ले लें बजाय इसके कि आप खुद अपने आप को उस सिचुएशन में फंसा लें। और नवाब ने ज्वाइन किया, नवाब को वेलकम करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं विच इज़ गुड। और वानिया ने ज्वाइन किया, वानिया को वेलकम करेंगे साथ में। और इसके साथ टॉक्सिक ने ज्वाइन किया, टॉक्सिक को वेलकम कर दें। आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। और गेमिंग के हवाले से मैंने कुछ अपने चैनल पर वीलॉग्स अपलोड किए हैं, मजीद और वीलॉग्स आएंगे आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए। सो गाइस बी पेशेंस एंड गेट रेडी फॉर इट, आफ्टर दिस मंथ आई विल मेक इट फॉर यू। और जब तक के लिए हम आप सबको वेलकम करते हैं अपने शो में। और टॉपिक आज का यही है कि बारिश के ऊपर आप लोगों को किस तरह से बारिश पसंद है और आप लोग किस तरह उसको इंजॉय करते हैं और फ़ायदे और नुकसान भी आप हमें उसके बता सकते हैं एज वी आर डिस्कस हेयर टुनाइट इन आवर शो। और लोगों का नेट भी अभी तक डिस्कनेक्ट हो रहा है, वापस कनेक्ट हो रहा है, तो दिस इज़ अ बैड थिंग। और नवाब हमसे कह रहे हैं आरजे अच्छा शो, थैंक यू सो मच नवाब। और नवाब ने शायद न्यू हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ फातिमा ने ज्वाइन किया, फातिमा को वेलकम करेंगे। नाइमल ने ज्वाइन किया है और नाइमल को वेलकम करते हैं अपने शो में। पेशावर दल में जा रहे हैं, उनको कहते हैं अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। और चलेंगे यहाँ पर एक और ट्रैक की तरफ बिकॉज मेरे पास शॉर्ट टाइम है। आप लोग बता सकते हैं बारिश आप लोगों को कैसी लगती है और उसके फायदे और नुकसान क्या हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लेट्स प्ले अनदर ट्रैक फॉर द गाइस, आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद आरजे वोर्टेक्स एंड ऑल फ्रॉम मस्टीज रेडियो।
राइट, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हमने ये ट्रैक प्ले किया था और हमारे पास जो है वो ट्रैक्स काफी सारे हैं, तो मुझे जब प्ले करने हैं तो आई डेफिनेटली प्ले देम ऑल बट इन अ शॉर्ट टाइम, सो वी हैव टू मैनेज इट एज वेल। एंड वेलकमिंग वंस अगेन एवरीवन, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी द आरजेस लाइक कैंड मैन इज ऑल्सो कमिंग एंड डूइंग अ शो हियर टुनाइट विदाउट बीजीएम एंड सॉन्ग्स एंड हिज फर्स्ट शो, सो अ बिग क्लैप फॉर कैंड मैन। एंड इसके बाद लाहासल ने शो किया, आवारा भी अगर आएंगे मैं उनको मैसेज कर दूंगा, तो ही इज हियर आफ्टर माई शो एंड डूइंग अ शो फॉर यू गाइज। एंड वेलकम करते हैं उन सब लोगों को जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आरजे निहारिका भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड शी इज ऑल्सो डूइंग अ शो। अवारा इज ऑल्सो हियर, वालेकुम असलाम, वेलकम करेंगे अवारा को यहाँ पर हमारे शो में। और बारिश किस किस को अच्छी लगती है और उसके क्या फायदे हैं वो आप हमें बता सकते हैं। कसौटी जिंदगी की हमसे कह रही हैं कि पकौड़े सर्द मौसम में अच्छे लगते हैं, गर्मी के मौसम में नहीं। तो जब बारिश होती है तो ना गर्मी का मौसम रहता है ना सर्दी का, वो बारिश का मौसम होता है, इसलिए हम उसमें पकौड़े खाते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, तो मैंने वो आज खाए और अच्छा लगा काफ़ी, बट कोशिश किया करें घर में बना के खा लिया करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। और आवारा ने हमें कहा हेलो वेलकम, थैंक्स, थैंक यू सो मच ब्रो एंड यू आर वेलकम हियर ऑन माय शो। और आज रात की बात जो है वो आवारा के साथ नहीं है, वोटिक्स के साथ है, क्योंकि आज आवारा ने अपना जो शो है वो वोटिक्स को दे दिया है। एंड आई मस्ट से थैंक्स टू आवारा फॉर गिविंग मी द शो एंड अपॉर्चुनिटी टू डूइंग अ शो फॉर यू गाइज हियर टुनाइट, एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड इसके साथ जितने लोगों ने हमें रेडियो पर ज्वाइन किया है उन सबको मैं करूंगा वेलकम, एंड माय फैमिली इज इंक्लूडिंग इनसाइड एंड लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच। एंड चलेंगे एक और ट्रैक की तरफ, और बारिश के हवाले से इससे पहले हम कुछ बात करेंगे। जब बारिश हो रही होती है तो मुझे उसकी खुशबू इतनी पसंद है कि दुनिया में मुझे इसके अलावा और कोई खुशबू पसंद नहीं है, खासतौर पर जब वो मिट्टी की खुशबू आ रही होती है, एंड आई लव दैट फ्रेगनेंस। एंड इसके अलावा आई लव द रेन एंड हैवी रेन एंड स्ट्रोमिंग एज वेल, और वो स्ट्रोमिंग जो कि थंडर स्ट्रोमिंग होती है, और बादल जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, और एक कड़ाकेदार साउंड आता है, और गरज चमक के साथ थंडर लाइटिंग वाली बारिश हो रही होती है, एंड द क्लाउड्स आर रैमिंग विथ ईच अदर। एंड नवाब कह रहे थे ज़बरदस्त सॉन्ग, थैंक यू सो मच। मायरा जी ने हमसे कहा आरजे द शो इज़ वर्किंग नाइस, आई अप्रिशिएट द वे यू रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट टू टाइम, आई मीन साइमल्टेनियसली, हा। एंड खैर खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच मायरा जी। एंड आई एम कांट बी एबल टू टेकिंग द रिक्वेस्ट ड्यू टू द नेट डिसकनेक्टिविटी एंड द रिकॉर्डिंग इज ब्रेकिंग और द शो इज ब्रेकिंग, सो हम ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट प्ले करेंगे अपने रिक्वेस्ट शो में, यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। आवारा हंस रहे हैं, एक ही बात है इंजॉइंग। और मोमिन ने ज्वाइन किया, मोमिन को वेलकम करते हैं अपने शो में। और मोमिन हमसे कह रहे हैं देखते हैं आरजे यू मैन, Why are you shocked to watching me on the radio? I mean, to listening my voice on the radio. I'm sorry. It's not a Vortex TV here right now. Aur Knockout ne join kiya, unko welcome karenge. Ek track hum zabardast se yahan play karenge. Aur dedicate karenge un sab logon ko jinhone abhi hame newly join kiya hai. Milte hain ek short break ke baad. Together.
वेलकम करते हैं एक बार फिर से लेट नाइट हॉरर शो, आई मीन एंटरटेनमेंट शो विद आरजे वोर्टेक्स. और आज का जो टॉपिक था वो था रेन के हवाले से, एंड आई लव द रेन एंड द स्मेल एज वेल, एंड द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द टॉपिक. और आप लोग भी बता सकते हैं आप में से रेन किस किस को पसंद है और आप लोगों ने इसको किस तरह से इंजॉय किया. मोमिन ने हमें ज्वाइन किया, मोमिन को वेलकम करते हैं. एंड ही इज शॉक्ड व्हेन ही वॉचिंग मी हियर एंड ही इज सेइंग इट्स बीन सो लॉन्ग व्हेन आई हियर्ड या एट अदर चैट रूम. इन्होंने मुझे किसी और चैट रूम में सुना था, या आई नो दैट, बट नाउ इट्स अ नंबर वन चैट रूम. इट्स माई टारगेट इज इट्स कंप्लीटेड हियर. ऑल द फैंस आर हियर एंड द पीपल आर हियर एंड द ओनर इज हैप्पी एंड रीमिक्स इज प्लेइंग एंड इट्स माई गोल टू अचीव दिस विक्ट्री एंड आई एम सो हैप्पी ऑन इट. एंड ब्रैड ने ज्वाइन किया है, ब्रैड को वेलकम करेंगे एज माई लॉन्ग ओल्ड फ्रेंड. आवारा कह रहे हैं हॉरर शो जानबूझ के किया था. मोमिन कह रहे हैं वेलकम बैट वोटिक्स, गुड टू सी यू मोमिन हियर ऑन माई शो. इसके साथ एक पीएम आया है जिस पर उन्होंने नाम लेने को मना किया. वो कह रहे हैं नाइस वॉइस नाइस एनर्जी, और मेरा कमेंट जो है वो ऑन ईयर नहीं करना है. तो ठीक है, मैंने नहीं किया आपका नाम ऑन ईयर, आपका सिर्फ कमेंट ही ऑन ईयर कर दिया है, अच्छी बात है. इसके साथ हम जब हमें कोई मना कर देता है कि नाम नहीं लेना है तो हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि ये गलत बात हो जाती है. सैम ने ज्वाइन किया, सैम को वेलकम करेंगे अपने शो में. वुल्फ सोल्जर ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे. एंड साथ में चूजा भी है, मुन्ना भी है. कैप्टन शावेज ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे. मैड बॉय इज ऑल्सो हियर. तो यहाँ पर कुछ ट्रैक्स हम प्ले कर रहे थे, बारिश के हवाले से बात हो रही थी और रेडियो के हवाले से बात हो रही थी. एज अ हेड ऑफ द रेडियो मैं पूछ के ज़रूर रेडियो को बंद कर दूंगा क्योंकि ऑन दिस मंथ आई हैव टू क्लोज द रेडियो एज वेल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर. बिकॉज कब से करना है ये वो बताएंगे, उनसे पूछ के हम कर देंगे. और साथ में हम शायद इस पर कुछ नात वगैरह भी अपलोड करें, जैसे हमें आवारा ने यहाँ बताया कि वो कल जो है वो शो करेंगे मुहर्रम के हवाले से. और विच इज़ रियली गुड एंड अप्रिशिएटेड, आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम हिम कि वो ये करेंगे. गुड लक कहते हैं आवारा को शो के लिए. और अभी भी जो है बड़ी मुश्किलों से हमने कनेक्ट किया रेडियो और हम पे शो स्टार्ट किया क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा क्रिएटिंग कर रहा था प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे थे. तो गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट एक आवर होने वाला है और हम चलते हैं एक ट्रैक की तरफ और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. और बारिश का भी हमने ट्रैक प्ले करना था और वो हम कर रहे हैं. सो लेट्स एंजॉय दिस टुगेदर. आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड, वी कीप इलेक्ट्रिफाइंग योर हार्ट्स विद आरजे वोर्टेक्स वॉइस ऑन द रेडियो. स्टे सेफ, वी विल मीट अगेन.
Wow, what a track of regarding the Barish, and Barish is Barish, 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 all around the Barish on the Karachi, and welcome to Think Bar, this is Sab Logo Ko. I am really happy and say thanks to Almighty Allah for this wonderful rain here. और इसमें अगर कोई मसले हो रहे हैं कि बिजली जा रही है और रोडों में पानी आ रहा है, तो ये नेचर का फॉल्ट नहीं है, ये लोगों का फॉल्ट है जो कि अपना काम ध्यान से नहीं करते हैं, और उसके बाद हम लोग हर चीज़ टाइम पर दे रहे होते हैं, फिर भी हमें वो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं जो हम बारिश में करना चाहते हैं, इन्जॉय बट हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ की आवाम इतनी प्यारी है कि वो इस बारिश को भी फेस करती है और साथ में बिजली को भी, और उनके सब्र का को मेरी तरफ से सैल्यूट है कि वो उसके बावजूद भी बाहर निकल के पकौड़ों को इन्जॉय करती है और चाय को इन्जॉय करती है, और उसके साथ जो है वो रोडों को भी फेस कर रही होती है, गाड़ियां भी बंद हो रही होती हैं और पैदल भी चल रहे होते हैं लोग, और बारिश को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो जो रेप्टाइल्स निकलते हैं बारिश में, स्नेक्स, लिजर्ड्स, कैमिलियन एंड ऑल लाइक दिस, आई रियली लव देम बिकॉज दे ऑल्सो लव द बारिश, तो वो लोग भी बाहर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो गाइस, ये था वो नेचर का फंडा जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया और बड़ा मज़ा आया। और इसके साथ आयत शेख ने ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे, वालेकुम अस्सलाम कहेंगे, और बारिश में आप लोगों को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है ये आप हमसे शेयर कर सकते हैं पीएम करके, और या मेन चैट पर भी हम उसको ऑन एयर करेंगे। चलेंगे एक और ट्रैक की तरफ, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड विद आरजे वोर्टेक्स, कीप रेक्टिफाइंग योर हार्ट्स, आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद और मिलते हैं आप सबसे। आवारा भी हमें सुन रहे हैं, लाहासिल इज गॉन फ्रॉम हियर, लाहासिल जा चुके हैं, और आवारा को कहते हैं कल के शो के लिए गुड लक, और मे बी ही इज कमिंग हियर टुनाइट एंड टेकिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस बिकॉज माय नेट इज नॉट वर्किंग एंड बी विद मी टुगेदर एंड माय गेम टाइम्स एज वेल आर कमिंग। तो गेम को भी जो है वो सफरिंग हो रही है नेट की वजह से, मैं उसको खेल नहीं पा रहा हूँ, एंड सो मैनी लेवल्स आई लॉस्ट एंड सो मैनी रिवॉर्ड्स आई लॉस्ट इन द गेम, और बड़ा मज़ा आता है खेलने में। आप लोग भी गेम्स खेला करें, इट्स मेकिंग योर ब्रेन हेल्दी एंड मेक्स यू स्ट्रेस फ्री, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी लाइफ में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ। इतनी खूबसूरत लाइफ है, अल्लाह ने एक बार दी है, इसको फजूल कामों में नहीं लगाएं, बल्कि इसको इतने अच्छे कामों में लगाएं कि जब आप कल को जा रहे हो इस दुनिया से तो आप ये कह सकें कि मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। एंड आयत हमें कुछ कह रही हैं, आरजे वोर्टेक्स जी मुझे उसके बाद कोई मैसेज मिला नहीं, आप कह सकती हैं। चलेंगे एक और ट्रैक की तरफ, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक हियर, बट हम उससे पहले एक और ट्रैक प्ले करते हैं और हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग।
ऑलराइट, वेलकम करते हैं फिर से सबको। इतना ट्रैक लोगों को पसंद आया कि एक ने तो हमसे लिंक ही मांग लिया इस ट्रैक का, एंड मैंने उनको दे दिया। और इसके साथ जो है मोमिन हमसे कह रहा है, आई थॉट दिस वन इज मैशअप एज वेल वोर्टेक्स। नो 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 मैन, दिस इज नॉट अ मैशअप। और रेनिंग के हवाले से एक पोइट्री हमें जो है हमें दी है मोमिन ने, और कह रहे हैं प्लीज रीड वन माई पीस। और वो कह रहे हैं, आई एम द रेन जेंटली पैटिंग द रूफ टॉप, द ड्रॉप स्लाइडिंग डाउन योर विंडो, आई ग्लाइड पास द ग्लो ऑफ योर लैम्प, क्लिंगिंग टू द वार्म्थ ऑफ योर फिंगर टिप्स एज दे प्रेस अगेंस्ट द ग्लास, लूजिंग ग्रिप आई स्लिप अवे। मीन्स मैं बारिश हूं, छत से आहिस्ता से थपथपा रहा हूं, टिमटिमा रहा हूं, ड्रॉप आपकी खिड़की से नीचे फिसल रहा है, मैं आपके चिराग की चमक से गुजरता हूं, आपकी उंगली की जो तपिश है उससे लपक जाता हूं, जब वो शीशे के पास जो है वो चिपकी हुई होती हैं, और वो गिरने के बाद, उस उंगली से गिरने के बाद, ग्रिप को खोने के बाद, मैं वहां से फिसल कर नीचे गिर जाता हूं। तो ये जो है एक उन्होंने पोइट्री दी थी मोमिन ने हमें, हमने वो प्ले करके यहाँ पर आप सबको सुना दी। और इसके साथ आवारा जो है वो इंजॉय कर रहे थे ट्रैक को, एंड आई ग्लाइड पास द ग्लो ऑफ योर लैम्प, पास द ग्लो ऑफ योर लैम्प। ओके, उसके साथ जो है वो हमने सबको बता दिया है, और ठीक है। इसके साथ जो है वो मैं ये बता दूं कि मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा उन सब फैंस को, और आई रियली रिस्पेक्ट यू गाइज हियर दैट यू आर गिविंग मी द appreciations and the comments. I made the gallery for you guys on Insta, and you guys can check out Insta on my YouTube as a link. और वहाँ पर आकर आप जो है वो आप मेरे comments आपके जो भी हैं वो आप जाकर वहाँ check कर सकते हैं। मेरे fans gallery है जो हम वहाँ पर करेंगे। और इसके साथ मोमिन कह रहे हैं, वो मैन यू ट्रांसलेटेड सो वेल वोटेक्स, थैंक यू सो मच। इसके साथ कोशिश करता हूँ यार, मेरी इंग्लिश जो है, यू नो मी, लोग एक टाइम पर जो है वो मजाक उड़ाते थे मेरा बट मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ट्रस्ट मी, आई एम नथिंग इन द रेडियो एज वेल एज इन द इंग्लिश और एनी अदर एट्रीब्यूट्स। आई एम जस्ट वर्सेटाइल पर्सन हु फॉलो एवरीथिंग इन माई लाइफ। कोशिश करता हूँ कि उसको अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में और उसको मेक बेटर करूँ और उसको ऐसा बनाकर छोड़ूँ क्रिएटिव वे में कि कोई और उसको कभी उससे पहले देखा ना हो किसी ने। तो ये मेरी कोशिश होती है, चाहे मेरा कोई भी काम हो मैं वो दिल से करता हूँ, बस मैं ये जानता हूँ। मुझे नहीं पता दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन मेरी रियल लाइफ के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया मेरे साथ, और मैं उनसे दिल से ही बात करता रहा, अपने फैमिली इश्यूज़ बता रहा हूँ, और फैमिली से रिलेटेड या फ्रेंड्स से रिलेटेड आप कह लें। इसको स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को सही से बात समझ में आए। तो जब क्लास फेलोज थे या कुछ भी थे, मैंने ऐसे काफ़ी रिलेशंस देखे अपनी लाइफ में जो कि मुझसे जो है वो एज अ प्रोफेशनल डील कर रहे हैं और मैं दिल से डील कर रहा हूँ, बट कहते हैं वही है कि एक टाइम पे जब हमें आके पता चल जाता है चीज़ों का, तो हम उन लोगों से भी प्रोफेशनल डील करना जानता हूँ जो लोग मेरे साथ प्रोफेशनल डील करते हैं। एंड प्रोफेशनल डील मींस उनको वैसे ही डील कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी, मेरे साथ कभी किसी ने अगर बुरा भी किया लाइफ में, आई कैन नॉट टेक एनी रिवेंज फ्रॉम देम, मैंने उनसे कभी बदला नहीं लिया। और मैं बस एक ही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया मेरी लाइफ में, एंड दे मेकिंग मी सो स्ट्रांग आफ्टर दैट। आई रियली थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, क्योंकि आई ऑलवेज लर्न विद माय मिस्टेक्स ऑलवेज। एंड वही बात है कि मेरा एक रूल है लाइफ का हमेशा, जो मेरे साथ अच्छे हैं यहाँ पर या कहीं पर भी लाइफ पे, मैं उनके साथ 10 कदम और आगे अच्छा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ बुरा करता है या मेरा बुरा चाहता है, या लाइफ में कभी भी आप लोगों के साथ भी आप लोगों का चाहता होगा, तो वहां एक ही रूल रहा है कि
Hello, welcome once again. गाइस ये जो है ना रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई और सॉरी कहेंगे सबको क्योंकि माइक का थोड़ा सा इशू था एंड आई कांट बी एबल टू यस लिसनिंग माय ओन वॉइस ऑन द रेडियो बट नाउ इट्स कनेक्टेड तो हम इसको जो है वो पार्ट के साथ जोड़ देंगे और आप लोग सब इसको सुन सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं और आवारा यहाँ मौजूद है आवारा को हम कहेंगे उन्होंने रिफ्रेश कर दिया है मोमिन को नाइमल को कहेंगे वेलकम बैक करने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका भी जो फैंस ने मुझे वेलकम किया है यहाँ पे और फार्मा शेख को भी वेलकम करने के लिए थैंक्स कहेंगे और आयत को भी कहेंगे थैंक्स और आवारा वाओ नाइस वॉइस इज कमिंग कीप टॉकिंग थैंक यू सो मच आवारा एक्चुअली आई हैव सम ग्लिच ऑन द माइक इशू और उसकी वजह से आवाज़ चली गई थी आवारा से मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट आपने कहाँ तक सुना मेरी स्पीच को तो वो मुझे बता दें ताकि मैं पार्ट टू उसका बनाकर इसको मर्ज करके एक और पार्ट के साथ आप सबके लिए इसको बना दूं और आप लोग इसको सुन पाएं हमारे शो को और वेलकम करते हैं उन न्यू कमर्स को जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ आ गए हैं और हमें सुन रहे हैं फितना कह रहे हैं फितना ने एक शेर यहाँ पढ़ा है जो कि बड़ा फनी है और कह रहे हैं अंग्रेज के खूबसूरत गोरे बच्चों को पूरी दुनिया की नज़र नहीं लगती और हमारे गंदुमियों को गंदुमियों बच्चे यानी गंदुमी बच्चे जो हैं उनको पूरे मोहल्ले की नज़र लग जाती है वेरी नाइस पोइट्री एंड नेहा बेबू जा रहे हैं उनको कहते हैं टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय ग्लॉस ने ज्वाइन किया ग्लॉस को वेलकम करेंगे आवारा को कहूँगा कि वो मैसेज कर सकते हैं और बात हो रही थी कहाँ तक हो रही थी ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अब अगर हमने वहाँ तक बात की है तो हम चेक करते हैं लास्ट वॉइस व्हेन आई वाज सैड ओनली बीजीएम इज प्लेइंग लास्ट वॉइस वाज व्हेन आई सैड ओनली बीजीएम इज प्लेइंग नहीं 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 आप समझे नहीं यानी मैंने कहाँ पर ख़त्म किया था जहाँ तक आपने बात सुनी थी मेरी उसके बाद बताएं वहाँ से कंटिन्यू करना है और मोन्जा ने ज्वाइन किया मोन्जा को वेलकम करेंगे और मोन्जा ने ज्वाइन किया है तो मैं आवारा से ही पूछूंगा क्योंकि आवारा और मैं साथ ही शो करते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे हेल्प कर देते हैं यहाँ पे जब भी कभी ऐसा इशू होता है और हम भी उनको जो है वो असिस्ट कर देते हैं जब उनका मसला होता है तो इस तरह से हमारा पार्ट चलता रहता है यहाँ पे एंड कुर्बान ने ज्वाइन किया कुर्बान को वेलकम करेंगे लास्ट आवारा ही बताएंगे उन्होंने कहाँ तक सुना है और क्या सुना है मुझे वो जानना है ताकि वहाँ से हम टॉपिक कंटिन्यू करें क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या हमने कहा था बात कहाँ तक चल रही थी और हम कहाँ आगे निकल गए और रिकॉर्डिंग कहाँ ब्रेक हुई थी शो की तो ये बड़ा मसला होता है कि लोगों के पास से वो रिकॉर्डिंग रह जाती है और फिर वो बेचारे हमें सुन नहीं पाते तो यहाँ पर हम एक ट्रैक लेंगे आप सबको डेडिकेट करेंगे मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए एंजॉय कीजिए सब कमिंग ट्रैक को जब तक हम आवारा से पूछ के आते हैं कि हमने शो पे कहां तक बात करी थी उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और ख़त्म करते हैं शो को भी आई हैव ओनली 3 ट्रैक्स लेफ्ट और अभी हम जो प्ले कर रहे हैं वो सबको डेडिकेट करेंगे जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है अपना बहुत सारा ख्याल रखें सुनते रहिए आरजे वोटेक्स ऑन द रेडियो आते हैं इस ट्रैक के बाद Dile caída.
स्टार बात हो रही थी हमारी कुछ बारिश और ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड. और थैंक यू सो मच आवारा फॉर असिस्टिंग मी और टेलिंग मी कि हमने जो है वो पोइट्री पर ख़त्म किया था लास्ट शो जो कि मोमिन की थी. और उन नए आने वालों को वेलकम करते हैं अपने शो में. हमने यहाँ ट्रैक ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई थी एंड आई हैव टू मच द पार्ट्स ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एंड अपलोडिंग इन ऑन द चैनल फॉर यू गाइज फॉर योर एंटरटेनमेंट. तो यहाँ पर ये था एक सीन और लाइफ के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत सारे ट्रामाज आते हैं, बहुत सारे मसले आते हैं लाइफ में और उनको कैसे डील करना है. मैंने ज़्यादातर अपने फैंस पर जोर यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि जब लाइफ किसी भी चीज़ पर स्टक होती है, आपकी रुक जाती है, आप लोग आगे जीना छोड़ देते हैं और कुछ करना छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ा एक ब्लंडर होता है हमारे लिए लाइफ में और ड्रॉप डाउन होता है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हमारी लाइफ की. तो लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल एसेंस विच यू Living with the creativity or as an artist, otherwise you guys can ruin it by yourself, by your own hands. तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए लाइफ में. और प्रॉब्लम जो है वो लाइफ का दूसरा नाम है पार्ट का. और अगर लोग हम प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते तो हम कुछ भी नहीं फेस कर सकते लाइफ में. और चैटरूम जो है वो फिर से स्टक हो गया है और जो कि बहुत बहुत एक और टेक्निकली इशू आ गया है. और मगर अब यहाँ थोड़ा चल भी रहा है वापस और मुझे इस बात की खुशी है. और हम सेकंड लास्ट ट्रैक यहाँ पर प्ले करेंगे. और बारिश के हवाले से हमने आज टॉपिक रखा था. आप लोगों को बारिश कैसे लगती है आप लोग मुझे बता सकते हैं. इफ़ यू गाइज हैव एनी टाइम रिगार्डिंग द रेन मैसेजेस, यू गाइज कैन गिविंग इट टू मी आइदर ऑन द मेन चैट ऑन द मैसेजेस. इट्स ऑल अप टू यू कि आपको बारिश के फ़ायदे और नुकसान क्या लगते हैं. काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, मुझे अच्छा लगा. हम यहाँ पर एक ट्रैक प्ले करेंगे, आप सबको डेडिकेट करेंगे. आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. ये दिल तुझे
गाइज वेलकम करते हैं एक बार फिर से वंस अगेन उन सब लोगों को जो मेरे यहाँ पर फैंस रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं चैट रूम में ऑल फ्रॉम मस्ती में. आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का, मुझे सुनने का. और मेरा यहाँ पर सब जो भी बात करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को समझाना होता है, आप लोगों को बताना होता है. और शीश गर्ल ने ज्वाइन किया है और शीश गर्ल जो है फितना को कह रही है वाह आरजे थैंक यू सो मच. फितना सबको यहाँ पर रोक कर कह रहे होते हैं वेलकम इन द शो ऑफ आरजे वोर्टेक्स. My fans are crazy. I really respect you all. और मुझसे अगर कभी कोई गलती हो गई हो, कोई भी बात ऐसी हो गई हो, तो आप सबसे मैं सॉरी कहता हूँ. बिकॉज ये मेरा वीक का लास्ट शो है, इसके बाद कल हॉरर शो है. आफ्टर दैट आई एम वाइंड अप और फिर शायद ज़िंदगी में मुलाकात हो ना हो, मुझे नहीं पता. बट मेरा ये कहना भी ज़रूरी था, आपको समझाना भी ज़रूरी था कि हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू make it good for you guys. It's really important for your family as well, for you. You are really special in your own way, अपने आप के लिए. तो जहाँ भी रहें खुश रहें, एक स्टार बने और छा जाएं दुनिया में और अपनी चमक से सबको बता दें कि यू आर द आर्टिस्ट ऑफ द लाइफ. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स आएँ, आप लोग मेरे शो सुन सकते हैं चैनल पर जाके. इट रियली हैड हेल्प्स यू. और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा मसला हो, आप लोग वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि शो हमारे जो चैनल है उसमें आते रहेंगे, एंटरटेनमेंट आपके लिए आती रहेगी. आई एम नॉट गोइंग परमानेंटली हेयर फ्रॉम द लाइफ, बट आई एम जस्ट चेंजिंग द स्केड्यूल ऑफ द लाइफ एंड डूइंग समथिंग न्यू फॉर यू गाइस विच रियली गिव्स यू हैप्पीनेस. सो विश मी अ गुड लक इन माई लाइफ. एंड दिस लास्ट ट्रैक हमने आप सबके लिए प्ले किया. एंड वोमिन कह रहे हैं गलत टाइम पे डीसी हुआ रेडियो, अपोलॉजी फिर से होगी वोटेक्स. यार ये चलता रहता है, पता है ना यहाँ पे तो लाइफ का दूसरा पार्ट नाम ही प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम को किस तरह से डील करना है वो मैं इन सबको बता रहा था. आप जा रहे हैं, आप लोग खुश रहे हैं. शो था इस वीक का जो हमने प्ले किया हमारा, यस. और इसके बाद मैंने हमारे को कह दिया कि वो ज्वाइन करें आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए. और ओहो, तो यहाँ ये होता है रिकॉर्डिंग ब्रेक हो जाती है दो तीन पार्ट्स में. एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सबको साथ मिला दूं और आपके लिए एक जो है वो शो जनरेट कर दूं. और आप सबको बस यही कहना था कि इसी वीक का ये लास्ट वीक है, इसमें मेरा कल हॉरर शो होगा, दैट्स इट. एंड आफ्टर हम कब मिलेंगे ये मुझे नहीं मालूम. तो मैं आई हैव टू एक्नॉलेज टू माई फ्रेंड्स कि मैं कहाँ हूँ, मैं बता के जा रहा हूँ खुद. अपनी तरफ से तो वो ज़्यादा बेटर होता है.
और फिर से मुलाकात होगी। मैं कम्प्लीटली इंटरटेनमेंट को वाइप आउट नहीं कर रहा, बस आप लोगों की लाइफ को बेटर करने के लिए हम लोगों ने आपको जितने भी यहाँ शोज़ किए, जितने भी आप लोगों के, आप लोगों ने मेरे लिए सब कुछ किया, उसके लिए बहुत स्पेशल थैंक्स आप सबका और आवारा का भी और उन सब आर्जिस का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ऑनर का, उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे साथ थे, जिन्होंने काम किया, आप सब लोगों ने कमेंट्स दिए, उन सब के लिए भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब आप जो है वो मुझे देख पाएंगे अगर, तो आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं, यू गाइज हैव माय एफबी एज वेल, आप लोग वहाँ पर भी शो के स्केड्यूल देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं और वो मेरे चैनल पे ही होगा। तो तब तक के लिए आज मैं एक और बात आप सबको बताना भूल गया कि आई हैव एयर डैमेज, राइट वाला जो एयर है मेरा वो डैमेज है इस वक्त, और इट ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं गेमिंग कर रहा था, गेम खेलते हुए 2 घंटे हेडफोन्स लगा रहा गर्मी में, एंड एयर जो है वो अंदर नहीं गई तो वो कान जो है वो उसने पकना शुरू कर दिया एंड गिविंग अ पस आउटसाइड, और मैंने दवा डाल दी है बट इट्स ओके, अब वो सही है, आपके जाने नहीं दे रहे, डोंट वरी, आराम से कह रहे आपको जाने नहीं दे रहे, थैंक यू सो मच, आई एम रिस्पेक्टिंग यू मैन एंड ऑल दी अदर ऑफ माई फैंस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जा रहे हैं खुश रहें। मैं आरजे वोटेक्स यहाँ से साइन आउट करता हूँ और मैंने वैसे ऐसा आपसे कहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आई एम सॉरी इफ आई डिड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक विद यू गाइस एंड हर्टिंग यू फ्रॉम माय साइड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फॉरगिव मी एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे जहाँ रहें, और मेरी ये दुआ है आप सबके लिए, और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, साइनिंग आउट एंड ओवर टू आरजे अवारा एज ही इज कनेक्टेड एंड रिक्वेस्ट प्लेइंग द रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस, अभी उनके पास थोड़ा सा शायद टाइम हो, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ और लास्ट ट्रैक है, सबको डेडिकेट करते हैं और फिर से मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो चैनल पर, और इन तीनों को हम शॉर्ट कर देंगे, ये जो अभी रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई है तो उससे परेशान नहीं होएगा कि 1, 2, 3 पार्ट्स हमारे हो गए, उसको देख के जैसे भी जोड़ के हम जो है वो उसको ले आएंगे ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छी रेन का टॉपिक भी आ जाए ताकि आप लोग उसको सुन सकें। एंड मोमिन कह रहे हैं टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू मैन, गुड टू सी यू हियर, और चलेंगे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग आउट, फी अमान अल्लाह, एंजॉय द लाइफ, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक।